सास बहू के नारियल फूलों का बिजनेस। सावित्री और लक्ष्मी नाम के सास बहू नारियल बेचने का व्यापार करते थे। इसके अलावा गिरी को भी मंदिर के पास नारियल बेचने का बिजनेस था। एक दिन सास बहू गाड़ी पर नारियल लेके जाते समय ऐसे बातें करने लगे, यहाँ हमारा व्यापार स्लो है और वहाँ उनका व्यापार भी स्लो है। हम अपने पैसों से वो नारियल का बगीचा खरीद के गलती किए क्या सासू माँ? हम अपनी मेहनत से एक एक पैसा जमा करके वो नारियल का बगीचा खरीदे बहू, भगवान की दया उस जमीन से हमें जरूर लाभ होगा बहू। लोग तो ज्यादातर कूल ड्रिंक्स ही पी रहे हैं ना, और नारियल का पानी पीना कम कर दिए। इसके अलावा गर्मी कम होके ठंड बढ़ने लगी। ऐसे सोचते समय एक व्यक्ति सास बहू के पास आकर, एक का कितना है? छोटे वाले 30 हैं और बड़े वाले 50। बाप रे, इतना रेट? उन पैसों से आधा लीटर कूल ड्रिंक आएगा ना? सर, नारियल का पानी पीने से सेहत के लिए अच्छा है ना? मैं ठीक हूँ, मैं जाके कूल ड्रिंक ही पीऊंगा। वो चला जाता है। उससे बहू को गुस्सा आकर, देखिए सासू माँ, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे और ये हुआ। व्यापार में ये सब नॉर्मल है बहू, छोड़ दे। दोनों सास बहू शाम तक वही रहते हैं। दोनों थक जाते हैं। बहू चलो घर चलते हैं, मैं बहुत थक गई। मैं भी बहुत थक गई सासू माँ, चलिए चलते हैं। वो दोनों नारियल की गाड़ी लेके घर चले जाते हैं। तब तक गिरी पहले से ही घर पहुंच जाता है। उसे देख के पत्नी ने, ये क्या जी, इतनी जल्दी दुकान बंद कर दी? हाँ लक्ष्मी। बेटा तबीयत ठीक नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं है माँ, दुकान के पास बैठ बैठ के बोर हो गया। मंदिर को आए भक्त घर से ही नारियल ला रहे हैं माँ, और अगर लाए नहीं तो हमसे पहले रही दुकान से वो लोग खरीद रहे हैं, तब हमारा व्यापार कैसे चलेगा? ऐसे बहुत उदास से कहता है, हमारी स्थिति भी वही है जी, नारियल ज्यादा नहीं बिक रहे। शाम तक खड़े रहने पर भी 10 नारियल भी नहीं खरीद रहे। कुछ समझ में नहीं आ रहा जी। इसीलिए मैं एक निर्णय लिया, हम अपनी नारियल का बगीचा बेच देंगे माँ। आए हुए पैसों से हम शहर जाके कोई व्यापार करेंगे। एक बार तुम दोनों भी जरा सोचो। ऐसे कहता है। तब सावित्री ने, सुबह बहू भी यही कह रही थी बेटा, शायद ये हमारे नसीब में नहीं है। तुम्हारी मर्जी बेटा, किसी से कह दो, बेच देंगे। ऐसे कहती है। तीनों नारियल के बगीचे को बेचने का निर्णय करते हैं। एक व्यापारी को खबर देने पर 3 दिनों बाद एक व्यक्ति बगीचा खरीदने आता है। हम उस बगीचे पर बहुत पैसे लगाए साहब, हमें तो बस हमारे पैसे वापस आने से काफी है। लेकिन वहाँ तो ज्यादा डिमांड नहीं है ना, जमीन भी बहुत कम है, इतने पैसे देना मुश्किल है। उतने पैसे मैं नहीं दे सकता, उसमें आधा ही दूंगा। ऐसे कहता है। उससे तीनों शौक हो जाते हैं। ऐसे कहने से कैसे साहब, हमें बहुत नुकसान होगा। कम से कम आप हमें 10% तो दीजिए, लेकिन आधा कैसे होगा? उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, वहाँ का जमीन उसी रेट पर है। मंजूर है तो जमीन बेचिए, वरना छोड़ दीजिए। इतना कम दाम में तो हम नहीं दे सकते, आप जा सकते हो। ऐसे कहती है। उससे व्यापारी कुछ नहीं कहता और चला जाता है। ये क्या लक्ष्मी, ऐसे की इधर उधर बात करके बेच देते ना? नहीं जी, हम खुद बेचने से वो लोग कम दाम में ही पूछेंगे, और थोड़े दिन देख के तब बेचेंगे। तब तक हम किसी न किसी तरह इसी से काम चला लेंगे। ऐसे कहती है। थोड़े दिन बीत जाते हैं। सासू माँ, आज मैं मंदिर जा रही हूँ, सोमवार है ना, शिव जी का मंदिर जाके ईश्वर को अर्चना करके आऊंगी। ठीक है, मैं भी तेरे साथ आऊंगी बहू, मंदिर जाके बहुत दिन हो गए, गिरी को भी साथ ले जाएंगे ना। दोनों सास बहू वहाँ से सीधा गिरी के दुकान के पास जाते हैं। सुनिए, हम तीनों मंदिर जाके बहुत दिन हो गए, आइए जाके हम पूजा करके आएंगे जी। तुम दोनों जाओ, दुकान के पास रहना है ना।
अरे 10 मिनट में वापस आएंगे जी, कुछ नहीं होगा, एक अच्छा नारियल दीजिए मुझे, ऐसे कहती है। तब गिरी एक छोटा सा अंकुरित नारियल देता है। तीनों मिलके मंदिर को जाते हैं। लक्ष्मी ईश्वर को प्रणाम करके, हे ईश्वर दया करो स्वामी, मैं तुम्हारी अभिषेक जरूर करूंगी, ऐसे वो प्रार्थना करके नारियल तोड़ती है। तब उस नारियल में पानी नहीं फूल रहता है। उसे देख के पुजारी जी लक्ष्मी के पास आकर, लक्ष्मी बेटी नारियल का फूल मुझे बहुत पसंद है, बहुत मीठा रहता है, वो फूल सेहत के लिए बहुत अच्छा है बेटी, मुझे थोड़ा दे सकती हो बेटी? अरे पुजारी जी पूछने की क्या जरूरत है, आधा आप लीजिए। लक्ष्मी आधा नारियल का फूल पुजारी जी को देती है। पुजारी खुश होके, आजकल नारियल के फूल बहुत बेच रहे हैं बेटी, इनका तो बाहर बहुत डिमांड है, ऐसे कह के चला जाता है। वो बात सुन के तीनों सोच में पड़ जाते हैं। नारियल के फूल बहुत मीठे रहते हैं, क्यों ना हम नारियल के फूलों का व्यापार करें? पुजारी जी की बातें सुनकर मुझे भी ऐसे ही लगा। ईश्वर हमें यही विचार दिलाने के लिए हमें यहाँ बुलाया होगा, बहुत व्यापार किए, क्यों ना हम ये व्यापार भी ट्राई करें? ऐसे कहती है। तीनों नारियल के फूल बेचने का व्यापार करने का निर्णय करते हैं। तब सावित्री ने, इसमें जल्दी फूल आने के लिए एक काम करना है, नारियलों के ऊपर बोरी बैग्स ढक के हर रोज पानी से गीला करना है, तब 4 दिनों में ही नारियल के फूल आएंगे। गिरी ऐसे ही करता है, 4 दिनों में ही पूरे नारियलों में फूल आ जाते हैं। तब तुरंत सास बहू उनके दुकान के पास नारियल के फूल बेचना शुरू करते हैं। नारियल के फूल खाने से क्या क्या लाभ होते हैं लक्ष्मी एक बोर्ड पर लिख के रखती है। उसे देख के लोग नारियल के फूल खाना शुरू करते हैं। नारियल के फूल मीठे रहने पर बहुत सारे लोग खरीदते हैं, उनको सिर्फ एक दिन में ही बहुत पैसे आते हैं। उस दिन से सास बहू के नारियल फूलों का बिजनेस सुपर सक्सेस होती है। शहरी बहू वर्सेस गंवार सास पार्ट 2। सावित्री गांव में आराम की जिंदगी जीने लगी, लेकिन उसका बेटा और बहू शहर में बड़ा घर बना के वहीं रहने लगे। सावित्री को उसके बेटे से मिलने की इच्छा होकर शहर जाने का निर्णय करके लगेज लेके जाने लगी। रस्ते में पड़ोसन कांतम्मा ने, दीदी कहाँ जा रही हो? तुझे ही याद कर रही थी और आ गई। हाँ हाँ बताओ ना कहाँ जा रही है? मेरे बेटे और बहू से मिलने की इच्छा हुई, उन्हें आके मुझे देखने का टाइम नहीं है ना, इसीलिए मैं जाकर थोड़े दिन उनके साथ रहूंगी। शहर में जिंदगी अस्त व्यस्त रहती है, हम नहीं जानते वहाँ कैसे रहना है, बहू से ताने सुनने की क्या जरूरत है? मैं तेरी जैसी डेढ़ दिमाग वाली नहीं हूँ, बहुत होशियार हूँ, मुझे पता है वहाँ कैसे रहना है। ठीक है तेरी मर्जी। ऐसे कहने पर सावित्री वहाँ से चली जाती है। उस दिन शाम को दिव्या बहू घर में काम करते समय बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देते हैं। ये क्या, लगता है कुछ गड़बड़ है। दिव्या जल्दी से बाहर आके देखती है, सास ऑटो वाले से झगड़ा कर रही थी। चाहे तो कुछ भी कर ले, पर मैं 20 रुपए से 1 पैसा भी नहीं दूंगी, आगे तेरी मर्जी, मैं डरने वाली नहीं हूँ, ऐसे झगड़ रही थी। उसे देखकर दिव्या जल्दी से जाती है। सासू माँ क्या बात है, क्यों झगड़ रहे हो? मुझे गांव से यहाँ तक ट्रेन का चार्ज सिर्फ 50 रुपए ही हुए, और ये ऑटो वाला 100 रुपए पूछ रहा है। मैडम ये औरत मुझे सिटी पूरा घुमाई, बाद में एड्रेस पेपर दिखाकर यहाँ लाई, मीटर में 100 रुपए हुए मैडम, पैसे पूछने से मुझसे झगड़ रही है। सासू माँ आप अंदर जाइए, ड्राइवर मैं आपको पैसे दूंगी। दिव्या पैसे देती है। तब सास ने, उसे इतने पैसे क्यों दी बहू? सासू माँ ये गांव नहीं है, यहाँ ऐसे ही रहता है, पहले आप जाके हाथ मुंह धो लीजिए, ऐसे कहती है। सावित्री बाथरूम को जाती है, वहाँ रही वेस्टर्न बाथरूम देखकर उसे जोर से हटाने लगी।
दिव्या बहू, दिव्या इधर आओ ना, इसे हटाना है। वो जोर से हटाने लगे। इतने में बहू जल्दी आकर देखती है। अरे रे, ये क्या कर रहे हो सासू माँ, इसे क्यों हटा रहे हो? छोड़ दीजिए, वो टूट जाएगा सासू माँ। हटिए, मैं आपको बताऊंगी। वेस्टर्न टॉयलेट कैसे यूज करना है बता के जाती है। तब सास ने, ये कैसा शहर है, सब अजीब लग रहा है। सास अनजाने में शावर टैप ऑन कर देती है। सास के सर पर ऊपर से पानी गिरने लगा। उससे सास डर के, अरे अरे रे, वो जल्दी से टैप ऑफ कर देती है। यहाँ तो सब अजीब लग रहा है, पता नहीं कैसे रहूंगी। सास वहाँ से चली जाती है। उस दिन बीत जाता है। अगले दिन सुबह दिव्या बाहर जाते समय, सासू माँ मैं एक घंटे में वापस आऊंगी, तब तक आप टीवी आराम से देखिए। हाँ ठीक है बहू, संभाल के जा। दिव्या वहाँ से चली जाती है। सावित्री को बोर लग के वो घर के बाहर आकर रोड पर व्हीकल्स देख रही थी। तब एक गाय गोबर डाल के जाती है। तब सावित्री ने, ओ शहर में गाय है, गाय के गोबर से उपले बनाने से अच्छे रहेंगे ना। वो गोबर लाकर घर के बाहर दीवार पर पूरा उपले मारती है। बहू आकर देख के शॉक हो जाती है। सासू माँ, बहू जोर से चिल्लाती है। तब सास घबरा कर, क्यों चिल्लाई बहू, यही हूँ ना। ये काम देख के और क्या करूँ सासू माँ, ये सब क्या है, अच्छी दीवार को खराब कर दिए, घर पूरा गोबर की बदबू आ रही है। ऐसे मत बोल बहू, इन्हें जलाने से घर में मच्छर नहीं आते। बेकार काम है सासू माँ, दोबारा ऐसे करने से अच्छा नहीं रहेगा। मर्जी का काम करने के लिए एक गांव नहीं है। ऐसे वो सास के ऊपर गुस्सा होती है। तब सास कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उस दिन बीत जाता है। अगले दिन सुबह जल्दी उठ के सास नहाने को सोचती है। तब वो तीन पत्थर लाकर चूल्हे के जैसे रख कर सामने रही पेड़ की लकड़ियाँ काट कर गर्म पानी रखती है। धुआं पूरा घर के अंदर जाने लगता है। हे भगवान, उठिए ना, लगता है घर में आग लग गई है जी। वो जल्दी से उठ के सास के काम देखकर शॉक हो जाते हैं। माँ, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, तू यहाँ क्यों चूल्हा जलाई माँ? मैं गर्म पानी से नहाना चाहती हूँ बेटा, उसमें क्या गलती है? दिव्या से पूछती तो वो हीटर ऑन कर देती ना, तू गांव की तरह यहाँ चूल्हा जलाने से कॉलोनी वाले आके शिकायत करेंगे। देखो माँ, घर पूरा धुआं से भर गया, घर में आग लग गई होगी सोच के हम दोनों डर गए माँ। सासू माँ, आग बुझा दीजिए, मैं बाथरूम में हीटर ऑन कर दूंगी, थोड़ी देर में पानी गर्म हो जाएगा ना। दोनों अंदर चले जाते हैं। सावित्री आग बुझा देती है। अरे शहर में तो हर काम गलत कहते हैं, उपले बनाने से गलत, चूल्हे पर पानी गर्म करने से गलत है, तो कैसे भगवान यहाँ जीना। सावित्री बाथरूम में जाती है। बकेट में रखे हीटर को देखकर, ए क्या गर्म पानी रखेगी बोली, तो यहाँ कुछ और ही है। सावित्री हीटर को हाथ से पकड़ लेती है। तब उसे करंट शॉक लग के जोर से चिल्लाती है। उसकी चिल्लाहट सुन के दोनों आ जाते हैं। सावित्री को देखकर घबरा कर बेटा एक लकड़ी लाकर सावित्री के हाथ पर मारता है। तब सावित्री करंट छोड़ के नीचे गिर जाती है। तुरंत उसे हॉल में ले जाते हैं। सासू माँ, आपको कुछ नहीं हुआ ना? और क्या होना बहू, थोड़ी देर होने से मैं तो सीधा यमलोक में रहती। माफ कीजिए सासू माँ, मैं नहीं सोची कि आप इतनी जल्दी नहाने जाओगे। मैं घर जाके नहाऊंगी बहू, शहर में मैं नहीं रह सकती, यहाँ रहने से मैं मर जाऊंगी। तुम्हें और तुम्हारे शहर को एक नमस्कार, मैं अपने गाँव में आराम से जीऊंगी, हो सके तो तुम दोनों ही वहाँ आओ बहू। ऐसे कह के सास उसका लगेज लेकर गांव वापस चली जाती है।